हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पेज भी नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग SMS करके मेरे को बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो बात करेंगे ईस्टर्न रेलवे के, जो कि बहुत सारे वेरियस पोस्ट में निकला हुआ है, ट्रेड अप्रेंटिस के जो कि पोस्ट निकला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना, इसके डिटेल आप लोगों को एक बार जान लेना होगा। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा वीडियो देखेंगे उसके बाद ही आप लोगों को ये जो डिटेल है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे जो कि कोलकाता में, इसका जो पोस्ट निकला हुआ है, एप्लीकेशन शुरू हो गया है 15 अक्टूबर 2018 से और लास्ट डेट जो है इसका 14 सितंबर 2018। ध्यान रहे, यहाँ पे 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं 14 सितंबर 2018 तक। एग्ज़ाम डेट जो कि है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसके साथ साथ दिया लिखा हुआ है नोटिफाइड वेरी सून। तो दोस्तों, इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल OBC वालों के लिए 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। SC ST जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए आपको कोई भी जो कि एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना होगा। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए भी कोई भी एप्लीकेशन आपको नहीं चार्ज देना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वैकेंसी डिटेल्स के। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कि वैकेंसी यहाँ पर है 2907 पोस्ट जो है यहाँ पे। पोस्ट नेम ट्रेड अप्रेंटिस, डिवीजन नेम जो कि यहाँ पे डिवाइडेड हुआ है पोस्ट वाइज। हावड़ा डिवीजन के लिए यहाँ पे आपको 659, सियालदा डिवीजन के लिए आपको 526, मालदा डिवीजन के लिए 204, आसनसोल डिवीजन के लिए 412, काचरापाड़ा डिवीजन के लिए 206, लिलुआ डिवीजन के लिए आपको 204, जमालपुर के डिवीजन के लिए आपको 696 कैंडिडेट जो लोग यहाँ पे हायर हो रहे हैं। एलिजिबल कैंडिडेट जो कि हो एलिजिबिलिटी, आपको क्वालिफिकेशन जो चाहिए, यहाँ पे क्लास 10 अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है ITI कोर्स के लिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ध्यान रहे, आपका एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 15 से 24 ईयर्स तक आप अप्लाई जो कि आपका एज होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों, ये था ईस्टर्न रेलवे के जो कि रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है इसका डिटेल। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसका जो ऑफिशियल के वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके जो कि देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसके साथ साथ इसका जो डाउनलोड ऑफिशियल के जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है इस पोस्ट के लिए या इस जॉब के लिए, इसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको जो पढ़ सकते। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहे लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।